हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज वीडियो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सभी लोग, फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो पसंद आएगी, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली दो फोन के ऊपर, पोको एक्स टू और वन प्लस नॉर्ड के बारे में, और क्या आप लोगों को वन प्लस नॉर्ड के लिए एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहिए। अगर आप लोग पोको एक्स टू खरीद रहे थे मान लीजिए 17,000 का, तो आप लोग क्या 10,000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करोगे वन प्लस नॉर्ड के ऊपर, तो क्या वो वर्थ इट है, उसका जो प्राइस गैप है उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा एनालाइज करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। देखो अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो भाई GSM मरीना पर जाके तुम लोग खुद पढ़ सकते हो। स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करेंगे, रियल यूज़र की बात करेंगे कि जो यूज़र चीज़ें होती हैं जो हम जैसे लोग हैं जो यूज़ करके आप लोगों को बताएं, उससे आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग कौन सा फ़ोन लो बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। तो मस्त स्टार्ट करते हैं वन प्लस नॉर्ड वर्सेज पोको एक्स टू, क्या प्राइस डिफरेंस वर्थ इट है या नहीं। तो अगर पहली बात करी जाए तो भाई देखो प्राइसिंग की अगर बात करते हैं तो पोको एक्स टू आ जाता है आपका 17,499 रुपये का इस टाइम पर फ्लिपकार्ट पे, और वन प्लस नॉर्ड की स्टार्टिंग प्राइस है 27,999 या फिर 25,000 रुपये। 25,000 वाला वैसे मिल नहीं रहा इसलिए हम उसे इंक्लूड नहीं कर रहे। रही बात देखो यार, यहाँ पे दो चीज़ें जो मुझे लगी वन प्लस नॉर्ड के अंदर इंटरेस्टिंग है वो चीज़ें पोको एक्स टू और रियलमी 6 प्रो के अंदर नहीं है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये दो चीज़ें मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर होती है जब आप लोग कोई फ़ोन खरीद रहे होते हो। पहली चीज़ यार, वन प्लस नॉर्ड के अंदर आप लोगों को 90Hz का फ्लूइड एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों को बहुत ही एक तगड़ा एक्सपीरियंस देने वाला है। फर्स्टली ये एक एमोलेड पैनल है, साइज 90Hz का है, और सारी इसके अंदर आप लोगों को जो कलर की विविडनेस देखने को मिलती है, कलर की जो सैचुरेशन हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। और देखो यार, ओलेड की ना एक चीज़ की खासियत या फिर बोलो डिसएडवांटेज ये भी है कि ये जब कम ब्राइटनेस में जाते हैं ना, बिल्कुल इनके अंदर आप जब कम ब्राइटनेस करते हो तो इनकी जो कलर है कहीं ना कहीं शिफ्ट करने लग जाते हैं, तो सभी में ज़्यादातर रहता है, मतलब वन प्लस के ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में। तो ये चीज़ इसमें भी है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा से वो नहीं बोलूँगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हल्की फुल्की हो ज़्यादा आपको नोटिस भी नहीं होगी। रही बात देखो भाई, डिस्प्ले इस फ़ोन की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और आप लोग इसमें नेटफ्लिक्स देखो, आप लोग यूट्यूब देखो, आप लोग इसके अंदर कोई भी ऐसा शो देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, आप लोगों को भाई बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा हर एक कलर से, हर एक चीज़ से, तो मतलब डिस्प्ले का मुकाबला नहीं है। सेकेंड चीज़ जो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर है पोको एक्स टू, रियलमी 6 प्रो, सैमसंग सभी के ऊपर, वो है वन प्लस का ऑक्सीजन OS। तो भाई मानो या ना मानो, ऑक्सीजन OS एक बहुत ही रिफाइंड एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर है, जो कि हम लोगों को सच में चाहिए इस टाइम पर सारे फोन्स के अंदर ऐसा ही कुछ सॉफ्टवेयर हो, मतलब क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड, बिल्कुल पास में रहे स्टॉक एंड्रॉयड के, और थोड़े बहुत आप लोगों को ऊपर से हल्के से फीचर्स छिड़कते हुए मिल जाए। तो वन प्लस का ऑक्सीजन सॉफ्टवेयर आप लोगों को नॉर्ड के अंदर देखने को मिलता है, और हैंड्स डाउन भाई बिल्कुल ऐसे हाथ नीचे करके बोल रहा हूँ, वन प्लस का सॉफ्टवेयर आप लोग बीट नहीं कर सकते जब आती है बात एंड्रॉयड के अंदर ऑप्टिमाइजेशन की, क्योंकि वन प्लस ने अपनी भाई पूरी टीम बिठा रखी इतनी तगड़ी वाली, जिसके अंदर की वो R&D करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, और सब कुछ उनको रेगुलर अपडेट्स देना, हर चीज़ को अप टू डेट रखना, वो बहुत बड़ा मैटर होता है। हल्का फुल्का जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मिले और सिंपल हो, फ़ोन के अंदर ज़्यादा ताल झंगाड़ हो ना हो, मतलब कहते हैं ना, तो ये चीज़ ना मेरे को वन प्लस के फीचर्स अच्छे लगते हैं। आप लोगों को शायद अलग हो सकता है, आपको सैमसंग का सॉफ्टवेयर पसंद हो, आपको पोको हो, बट मेरे को पर्सनली बता रहा हूँ ये चीज़ वन प्लस का ज़्यादा पसंद आता है। रही बात देखो पोको एक्स टू की, ठीक है, पोको एक्स टू भी है ना, इसके अंदर आप लोगों को MIUI देखने को मिलता है, और उसके ऊपर पोको लॉन्चर है, और MIUI मानो या ना मानो भाई मेरे को ना, हालांकि ये बहुत चीज़ें इसके अंदर हैं, फीचर्स हैं, बहुत कुछ है, बट तो ये दो ही चीज़ें हैं जो मुझे लगी नॉर्ड के अंदर बहुत ही बड़ी फैक्टर हैं बेसिकली कि आप लोगों को ये फ़ोन लेना पड़े नॉर्ड। सो गाइस, ये थे कुछ चीज़ें जो मुझे लगी वन प्लस नॉर्ड और पोको एक्स टू के बारे में, और वन प्लस नॉर्ड क्यों बेटर है दो चीज़ों के अंदर, और थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं जो वन प्लस के अंदर आपको सपोर्ट है वो सब ज़्यादा अच्छा मिल जाता है पोको के अलावा। और देखो यार, यहाँ पे दोनों ही फ़ोन के बारे में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, पोको एक्स टू अपनी जो वैल्यू आप लोगों को दे रहा है 17,500 के अंदर, बहुत ही अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, और ऐसी चीज़ें आप लोगों को ज़्यादातर ऐसे स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलती थी पहले, लेकिन पोको एक्स टू लेकर आया तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और जो हमारा वन प्लस नॉर्ड है वो आप लोगों को एक अच्छा बेटर सॉफ्टवेयर दे रहा है। तो दोस्तों यार, वन प्लस नॉर्ड पोको एक्स टू दोनों ही बहुत ही अच्छे कंटेंडर हैं एक दूसरे के, बट पोको एक्स टू मैं बोलूँगा एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है इस टाइम पर। देखो यार, परफॉर्मेंस की मैंने बात नहीं करी तो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो वन प्लस नॉट 765 GB पे बेस्ड है, और जो हमारा पोको एक्स टू है वो 730 GB पे बेस्ड है। दोनों का ही नाम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट लेना पड़ता है, जी। तो देखो यार, मैंने ना डे टू डे लाइफ के अंदर, नॉर्मल यूजेज के अंदर, हैवी यूजेज के अंदर, दोनों ही फ़ोन के अंदर ऐसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ें लाइक नोटिस नहीं करी कि मेरे को कोई लैग देख मिल रहा हो या कुछ। दोनों ही फ़ोन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हैं, बट यहाँ पे पोको एक्स टू आप लोगों को कभी ना कभी ज़्यादा स्मूथ लग सकता है, क्योंकि इसमें 120Hz की डिस्प्ले है। वैसे ये मैटर नहीं करती, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा,
लेकिन हमें पता चल जाता है क्योंकि हम ऐसे 90 Hz 120 Hz स्विच करते रहते हैं तो पता लग जाता है। तो जैसे अगर आप लोग पबजी यूजर हो, ठीक है, दोनों ही फोन के अंदर आप लोग को स्मूथ में एक्सट्रीम ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, तो मतलब 60 FPS दोनों ही फोन के अंदर नहीं चल सकता। तो प्रोसेसर के मामले में बोलूंगा भाई, अगर अच्छा भी 765G अच्छा भी है लेकिन उसमें ऑप्शन ही नहीं है पबजी के अंदर, तो वो अगर आप लोग परफॉर्मेंस के लिए स्टैंड अलोन देख रहे हो तो पोको X2 में बोलूंगा अपना पैसा बचाओ, वो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन क्या पता भाई इसके अंदर ऑप्शन आ जाए वन प्लस के अंदर अपडेट के थ्रू, क्या पता, हो सकता है, मेरे को लगता है ऐसा हो सकता है, तो वो चीज़ है। और सेकेंड चीज़ एक और है इसके साथ कि प्रोसेसर एक हद तक मैटर करता है, उसके बाद मैटर करता है आपका सॉफ्टवेयर, क्योंकि दोनों का जो एक संबंध होता है ना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, वो दोनों जब जुड़ता है जब भी एक पूरा सर्कल बनता है और जब भी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो अगर सॉफ्टवेयर अच्छा होगा परफॉर्मेंस हैंड्स डाउन बेस्ट होगी। वन प्लस ने ज़्यादा अच्छी ऑप्टिमाइजेशन दी है, ऐप लोडिंग टाइम, ऐप स्विचिंग टाइम और मल्टीटास्किंग में जो पीछे बैकग्राउंड की एप्लीकेशंस हैं उनका रनिंग टाइम, वो चीज़ें हमारे को नॉर्ड में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती हैं जस्ट बिकॉज उसका सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना और ये चीज़ माइंड में रखना। बाकी जो एड ऑन फीचर्स हैं आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं दोनों ही फ़ोन के अंदर। और देखो यार, 25,000 वाला अगर वन प्लस नॉट का वेरियंट आ जाता है तो दोनों के अंदर पोको X2 और वन प्लस नॉट के अंदर डिफरेंस रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 7,500 रुपये का। तो 7,500 के अंदर वैसे बहुत बड़ी एक रकम है, मुझे पता है 7,500 बहुत बड़ा वैल्यू होती है, लेकिन 7,500 के अंदर आप लोगों को जो दो चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है, एक डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी मिल रही है, एमोलेड डिस्प्ले भाई दिन और रात है IPS डिस्प्ले के मुकाबले। तो भाई दोनों फोन के अंदर मैंने कैमरास के ऊपर बात नहीं करी, बट ये बता देता हूँ, थोड़े बहुत कैमरा सैंपल्स देख लो आप ये, और जो कैमरा की बस दो चीज़ें बोलूँगा, दोनों फोन के अंदर कैमरा अच्छे हैं, डिसेंट है, ठीक है, और आप लोग इनके कैमरा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। लो लाइट के अंदर ये सही काम करते हैं, थोड़ी सॉफ्ट इमेज देते हैं, ब्राइटनेस HDR डायनेमिक रेंज दोनों की डिफरेंस है, पोको की जो डायनेमिक रेंज है वो थोड़ी कम आती है और नॉट की थोड़ी ज़्यादा आती है, ये डिपेंड करता है। और ये अभी जो वीडियो बन रही है वन प्लस नॉट की फ्रंट कैमरा विद अल्ट्रा वाइड वाली लेंस से बन रही है, तो ये आप लोगों को इधर अंदाजा मिल जाएगा उसकी क्वालिटी का। बाकी भाई Realme 6 Pro और Galaxy M21S के अंदर से मैं ऐसे चूज नहीं कर रहा, बाकी इन तीनों की वीडियो M21S, Realme 6 Pro और Poco X2 काफ़ी जल्दी आ रही है, तीनों कंपैरिजन बहुत तगड़ा होने वाला है। तो बस यार आज की वीडियो के अंदर OnePlus Nord मैं आपको बता देता हूँ वर्थ इट है, लेकिन जब 25,000 वाला वेरिएंट है जब ही, अभी मत लेना, अभी Poco X2 ले लो। तो बस यार यही थे मेरे फाइनल वर्डिक्ट आज की इस वीडियो के लिए, अगर आप लोगों को पसंद आएगा मेरे वर्डिक्ट तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक करो इस वाली वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो, ट्विटर भी फॉलो कर लो, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय।